कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग कैसे करना चाहिए, मैं नहीं सिखाऊंगा, इनसे सीखिए द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। भले ही इनके सिखाने के तरीके में कई सारी गलतियां हो, बट बंदे की मास्क पहनने की नियत तो साफ है। वरना इंडिया में किसी को मास्क पहनने का ज्ञान देने जाओ तो लोग ऐसे गुस्सा होते हैं जैसे मोदी जी से पीएम केयर फंड का हिसाब मांग लिया हो। ये मास्क नहीं है, तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। अगर कोई तुम्हें मास्क के लिए बोले पहनने के लिए, उसे मना कर देना, उसे प्रूफ मांगना। मास्क जलाओ, आजादी पाओ, वंदे मातरम। और यहाँ के अमीरों के तो अलग ही नवाबी शौक है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनके मन में आता तो ये पूरा पीपी किट सूट ही सिला लेते सोने का। भाई लोग, ऐसे भारत रत्न लेवल के जोक्स में आए दिन मारते रहता हूं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर दीजिए, यहाँ स्क्रीन पे उसका आईडी है और उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बहरहाल ये वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यार, साउथ अफ्रीका जैसी छोटी सी कंट्री का प्रेसिडेंट भी कितना सेंसिटिवली अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मास्क पहनो, कितना जरूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट लोगों को क्या सिखा रहा है? अरे खुद नहीं पहन रहा, लोगों को क्या सिखाएगा घंटा। स्वामी विवेक कमनंद, यस, आप डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, फिर चाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, उनकी इलेक्शन की रैली की हो या उनकी कमेटी की किसी बैठक की हो, कहीं पे भी डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप मास्क नहीं लगा रहे। मैं उनको डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल अमेरिका की सारी मेडिकल पॉलिसीज वो एक तरफा खुद ही डिसाइड किए जा रहे हैं। उनको FDA पे भी कंट्रोल चाहिए, उनको WHO पे भी अपनी छाप छोड़नी, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस जो आ रहे हैं बॉस, तो इसी इलेक्शन की वजह से आज फिर से एक बार वो प्रॉब्लम में आ गए हैं। देखो, अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक पर्सनल ने साफ साफ बोला है कि वैक्सीन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 100% इफेक्टिव वैक्सीन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। रही बात इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर, तो वो एक्सपेक्ट करके चल रहे कि ऐसी वैक्सीन जो 75% तक काम कर रही हो, हम उसे अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन 50% पे भी ये लोग अप्रूवल देने की सोच रहे, इमरजेंसी अप्रूवल। तो अब सोच लो कि अगर जो वैक्सीन सिर्फ 50% ही एफिशिएंट है, उसमें रिस्क 50% भी बाकी है, तो ऐसी वैक्सीन लेने का कुछ मतलब है क्या? बट नहीं, अपने डॉक्टर डोनाल्ड डक को ये रिस्क लेना है और कैसे भी करके इलेक्शन से पहले वैक्सीन ला के ही रखनी है। इसलिए वो दो कंपनीज के पीछे लगे पड़े हुए, एक तो है मॉडर्ना और एक तो है फाइजर। उसमें से मॉडर्ना वाली न्यूज से उनको कल झटका लग गया। मॉडर्ना वैक्सीन के CEO का स्टेटमेंट आया है कि 3 नवंबर से पहले हमारी वैक्सीन तो नहीं आने वाली बॉस। 3 नवंबर यानी अमेरिका के इलेक्शन का दिन। वैक्सीन इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि FDA की गाइडलाइंस बीच में आ रही है। FDA क्या बोलता है, किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूव कराना है ना, तो उस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में जितने भी कैंडिडेट्स शामिल है, उनमें से एटलीस्ट 50% कैंडिडेट्स का पिछले 2 महीनों का सेफ्टी डेटा रिलीज कराना बहुत जरूरी है। ये डेटा नहीं तो वैक्सीन अप्रूव नहीं हो सकती, और कंपनी के पास एज ऑफ नाउ ये डेटा पूरी तरीके से रेडी नहीं है। हालांकि कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल में टोटल 27,000 कैंडिडेट्स एनरोल है, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल शुरू भी हो चुके हैं, जिनमें से 15,000 कैंडिडेट्स को वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जा चुका है, बस उनके आउटपुट के आने की देरी है। जो डेटा आएगा 25 नवंबर तक, तो 25 नवंबर से पहले वैक्सीन रिलीज होने की अब कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। ये ट्रंप साहब की बहुत बड़ी होप थी और इसी को ही सबसे बड़ा धक्का लग चुका है। बहरहाल दूसरी कंपनी है जिसका नाम है फाइजर, जो ट्रंप साहब की दूसरी होप अब बन चुकी है, क्योंकि फाइजर ही एक ऐसी कंपनी है जो आज भी एकदम डंके की चोट पे बोल रही है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक हमारा क्लिनिकल डेटा पूरी तरीके से रेडी रहेगा, जिसके वजह से हमारी वैक्सीन अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो सकती है। तो यही अब लास्ट होप ट्रंप साहब के पास बची हुई थी। तो इसके बाद एक और न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से ट्रंप साहब को एक जबरदस्त झटका लग गया। ट्रंप साहब की एक नजदीकी एम्प्लॉई है जिसका नाम है होप, अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया, और जैसे ही उनका कोविड पॉजिटिव सामने आ जाता है, वैसे ही ट्रंप हस्बैंड वाइफ ने अपना भी टेस्ट करा लिया, अपने आप को क्वारंटाइन करा लिया, और वो भी अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट में पास हो गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर, अब क्या कर सकते, जो होना था वो हो गया, बस दुआ कर सकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द, टिल देन बाय बाय, टाटा, गया, सी यू।